हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बिना प्रेग्नेंट हुए ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है। अक्सर लड़कियों का या लड़कों का ये सवाल रहता है। सेक्स के दौरान ऐसी फैंटेसी आम होती है और ये सवाल उन महिलाओं का भी रहता है जो न्यू बॉर्न बेबी को अडॉप्ट करती हैं और उसे अपना दूध पिलाना चाहती हैं। तो इस वीडियो में बिना प्रेग्नेंट हुए ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज़ पर बात करेंगे और मिल्क प्रोड्यूस होने के रियल प्रोसीजर पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि टेडलाफिल एंड व्याग्रा में कौन सा टैबलेट ले, कैसे डिसाइड करें, तो अगर आप भी ऐसे कन्फ्यूजन में हैं और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या बिना प्रेग्नेंट हुए ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं या मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। लड़कियां बिना प्रेग्नेंट हुए भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। वैसे तो लैक्टेशन यानी मिल्क बनने की प्रक्रिया बॉडी में कैसे होती है, कैसे मिल्क बनता है एक औरत की बॉडी में शॉर्ट में जानेंगे और प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में मिल्क बनने के पूरे प्रोसेस को किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप शॉर्ट में जान लीजिए कि लैक्टेशन यानी मिल्क बनना हार्मोन के चेंजेस के कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, ताकि आप न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिला सके। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उनके बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और अदर प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाता है और जब बढ़े हुए हार्मोन का स्तर नीचे गिरता है यानी कम होता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दूध बनाने के लिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही दूध बनना शुरू होता है। तो लड़कियां इन तरीकों से बिना प्रेग्नेंट हुए मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। फर्स्ट, हार्मोन थेरेपी। जो हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान दूध बनाते हैं वही हार्मोन के लेवल को हाई करके एक फीमेल को दिया जाता है और उनकी बॉडी को ये यकीन दिलवाया जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। एक महिला में दूध बनने की प्रक्रिया प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में होती है, इसलिए बिना प्रेग्नेंट हुए इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट होने में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद हार्मोन थेरेपी को बंद करके आपको अपने ब्रेस्ट को पंप करना स्टार्ट करना होगा और निप्पल को उत्तेजित करना होगा। ऐसे करने से प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में हाई होने लगता है और दूध बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। शुरू में आपको एक दिन में 3 बार अपने ब्रेस्ट को पंप करना होता है 5-5 मिनट के लिए। उसके बाद हर दिन हर 4 घंटे पर पंपिंग के टाइम को बढ़ा के 10 मिनट करना होगा और फिर कुछ दिन के बाद 2 से 3 घंटे में 15 से 20 मिनट तक पंपिंग करना होगा और साथ ही निप्पल को उत्तेजित करना भी जारी रखें। पंपिंग के इस प्रोसेस को दूध पिलाने के दौरान भी जारी रख सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी दूध चाहिए, तो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल हार्मोन थेरेपी की जगह मेडिकेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। कुछ दवाएं आती हैं जिससे दूध प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको पंपिंग भी जारी रखना होगा ताकि दूध आना बंद ना हो और सप्लाई जारी रहे। थर्ड, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन। इस प्रोसेस में आपको अपने ब्रेस्ट को पंप करना होगा या हाथ से उत्तेजित करना होगा। इस प्रोसेस को कंटिन्यू हर दिन ऐसे करना होगा कि आपकी बॉडी प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करे जिससे ब्रेस्ट में दूध बनना स्टार्ट हो सके। शुरू में हर दिन 3 बार 5 मिनट के लिए पंपिंग करना होगा, फिर टाइम को बढ़ा के 4 घंटे में 10 मिनट पंपिंग करना होगा और फिर और टाइम बढ़ा के 2 से 3 घंटे में 15 से 20 मिनट तक पंपिंग करना होगा। ऐसा तब तक करना होगा जब तक दूध आना शुरू ना हो जाए। इसलिए इस सारे प्रोसेस में पंपिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप चाहे कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके साथ पंपिंग भी जारी रखिए ताकि मिल्क की सप्लाई शुरू हो और जारी रहे। इस प्रोसेस को ऐसे कपल अपना सकते हैं जो अपने सेक्स लाइफ को और एक्साइट बनाना चाहते हैं या जो अपने पार्टनर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हैं, या ऐसे मदर अपना सकते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी को अडॉप्ट किए हैं और उसे अपना दूध पिलाना चाहते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।